सुबह 12 बजे स्कूल में मेरे हस्बैंड का मेरे को फोन आता है कि मुझे सीए के अंडर जॉब मिल गई है। ये हैं हमारे गुरु जी, संगत जी जिनका दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ हो। आज मेरे हस्बैंड अकाउंट्स का ही काम कर रहे हैं। ये हैं हमारे गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले एक संगत जी, मैं एक अपना रीसेंट जो सत्संग है वो पहले शेयर करना चाहती हूँ ताकि टाइम ना बीत जाए। ये सत्संग, ये एक मैजिक है जो मेरी लाइफ में हुआ। 7 जुलाई 2021 को मेरे घर में सत्संग था। गर्मी बहुत थी तो हमने काफी सारी बर्फ मंगवाई। मेरे हस्बैंड ने बर्फ तोड़ तोड़ के ऊपर, हम ऊपर रहते हैं तो लेके आए। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि इनकी 4 फिंगर्स वर्क करना बंद कर देती है। ये काफी परेशान होते हैं और शाम को डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर, इनका बीपी 190 110 था। तो ये मतलब हम मेडिसिन 1 2 दिन लेते रहे, इनका बीपी नहीं डाउन हो रहा था। शुगर टेस्ट करवाई, वो भी 300 400 तक पहुंच चुकी थी। तो एकदम से मंडे को ये कहते कि मैंने, इनका ना हाथ कांपने लग पड़ा था। तो मैंने इनको बोला कि आप ऑफिस मत जाओ। ये कहते कि अगर ऑफिस नहीं गया तो मेरी जॉब की छुट्टी हो जाएगी। मैंने तो ऑफिस जाना ही जाना है, अब मैं और छुट्टी नहीं ले सकता। ऑलरेडी 3 दिन से मैं घर पे हूँ। मंडे को ये जब घर पे निकलने लगते हैं तो पता नहीं अंदर से गुरु जी की आवाज आ रही कि इसको मत बेच। मैं इनको बार बार बोल रही हूँ कि आप मत जाओ, इनसे स्कूटर ही स्टार्ट नहीं होता। जब इनसे स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तो ये ऊपर आ जाते हैं। ये अपने बॉस को फोन कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग दिस टाइम इनको पैरालाइज का अटैक आ जाता है। और मैं फटाफट अपने फैमिली मेंबर्स को फोन करती हूँ कि इनको अटैक आया है। सभी इकट्ठे हो जाते हैं, इनको हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि मोगा में एमआरआई करवानी पड़ेगी मित्तल डायग्नोस के पास, तो आप वहां पे जाओ। मैं इनको एक ऐसी मेडिसिन दे रहा हूँ कि जिसका 5 6 घंटे असर रहेगा। 5 6 घंटे के बाद इनको ये प्रॉब्लम दोबारा हो जाएगी। तो 12 1 बजे हम मोगा के लिए निकलते हैं और उसके बाद हम एमआरआई करवाते हैं। वहां पे जो एमआरआई की रिपोर्ट आई वो संगत जी मैं आपको शो करवाना चाहती हूँ। ये एमआरआई की रिपोर्ट में 8.5 mm राइट साइड पे इनकी ब्लीडिंग थी, 18 mm लेफ्ट साइड पे ब्लीडिंग है। और डॉक्टर कहता है कि इनकी बाद में ब्रेन की एंजियोग्राफी होगी। तो कोई कह रहा है इनको लुधियाना ले जाओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमने यहाँ बागी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवा दिया। तो पहले तो डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, मेडिसिन के साथ इनका हो जाएगा। तो एकदम से इनको दूसरा अटैक आ जाता है। अटैक आने के बाद डॉक्टर कहता है मैम समथिंग सीरियस, इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप इनको एडमिट कर लो। और कहता है कि मैम अगर मैं 72 आवर्स देखूंगा, अगर ये 72 आवर्स इनका नहीं सही होता तो हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। बहुत परेशान, गुरु जी कहाँ से पैसे लेके आऊंगी, कैसे करूंगी, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। फिर भी आप कहते हो ना कि आप मेरे पिता हो, आप ही करो, आपने ही करना है। बहुत परेशान मैं। और उसके बाद 3रे दिन इनका सिटी स्कैन होना था क्योंकि एमआरआई एक बार करने के बाद 6 मंथ एमआरआई नहीं हो सकती। तो वो कहते कि सिटी स्कैन करवाते हैं। पहले तो कह रहे थे आधे पौने घंटे में रिपोर्ट आ जानी है। उसके बाद इनकी जो रिपोर्ट है वो शाम तक नहीं आती, 6 बज जाते हैं। 3 4 बार इनकी एमआरआई की रिपोर्ट मंगवाई जाती है। मैं बहुत परेशान, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, गुरु जी आपने ही करना है। जिस दिन हमने इनको सत्संग में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो उस रात गुरु जी ने रात को 12 बजे से लेके मेरे से सुबह 6 बजे तक अमृत वेला करवाया।
अमृत वेले में मैं गुरुजी मेरे को रेड चोला में मिलते हैं और वो सारा हॉस्पिटल घूम रहे हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड को उनके हम सीसी प्राइवेट में थे, वहां सिर्फ दो ही बेड लगे थे, एक बेड खाली था। तो वहां गुरुजी व्हाइट चोला में गुरुजी इनको लेते हुए दर्शन हुए। तो मतलब हर वक्त गुरुजी के लिए सामने ही अरदास थे कि आप बैठे हो, आपने करना है। इससे पहले मुझे बॉबी सूद अंकल मिलते हैं, उन्होंने मुझे एक ही चीज कही कि बेटा आप जल प्रसाद पीना शुरू करो, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद बनाओ, जल प्रसाद पीना शुरू करो। अंकल का डेली मैसेज आना, और क्योंकि इससे पहले 2 महीने पहले मेरी भी सर्जरी हुई, संगत जी मैं खुद 2 महीने बेड पे रही। जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए तब तो मैं चल भी नहीं पाती थी, मेरे को वॉशरूम जाने के लिए दो दो पेन किलर्स खानी पड़ती थी। जो मैं बिल्कुल टोटल बेड पे थी, गुरुजी ने इनके चक्कर में मुझे भी उठवा दिया। मैं हॉस्पिटल के चक्कर पे चक्कर लगा रही हूँ, जो बिल्कुल चल नहीं सकती थी। 5 दिन लगातार मैं बैठी रही, जो मैं बैठ नहीं सकती थी क्योंकि मेरा जख्म डायबिटीज के कारण बहुत बड़ा हो गया था, बहुत गहरा हो गया था। मुझे लगता नहीं था कि शायद मैं कभी बैठ भी पाऊंगी, स्किन प्रॉपर गल गई थी। और अंकल का एक ही मैसेज कि मंत्र जाप के साथ जल पिलाती जा। अंकल ने तो मुझे दिन में 5 बार बोला था, पर मैंने पूरा टाइम ही इनको जल प्रसाद पे कर दिया था कि जब भी इन्होंने पानी मांगना, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके इनको जल प्रसाद पिला देना। संगा जी, तीसरे दिन जो मिरेकल हमारे साथ हुआ, इनकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई, वो भी मैं आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ। संगा जी ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया है। एवरीथिंग इज नॉर्मल, देर इज नो एविडेंस, हर चीज नॉर्मल है। मतलब पूरी की पूरी रिपोर्ट ही गुरुजी ने बदल दी। कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। ये जय गुरु जी। आंटी जी आवाज नहीं आ रही। जय गुरु, जय गुरु जी। आप हाँ जी हाँ जी। मतलब हॉस्पिटल में मेरे साथ इतना बड़ा मैजिक हुआ, इतना बड़ा मैजिक हुआ कि हॉस्पिटल में मेरे को मेडिसिन की कोई खुशबू नहीं आ रही, मेरे हस्बैंड को वहां पे समोसा प्रसाद की खुशबू आ रही है। ये गुरुजी ने हमें जीवन, नया जीवन दान दिया। शुक्राना गुरुजी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, जब आप गुरुजी को मानते हो तो सिर्फ टोटल सरेंडर, मंत्र जाप मत छोड़ो, मंत्र जाप में बहुत ताकत है। मैंने अब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को 2 बार लाइफ प्लस की है। हम लोगों की जो लाइफ है वो गुरुजी की दी हुई है। हम लोग एक भी सांस ले रहे हैं, हमें लगता है ये गुरुजी ने दी हुई है। क्योंकि पहले भी मैं जब चंडीगढ़ में थी, मेरे को लगता था कि अब लाइफ नहीं है आगे मेरी, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी, पर गुरुजी ने खुद उंगली पकड़ के मेरे को आगे बढ़ाया। अब अगेन जब मेरे हस्बैंड फिर बीमार हुए, गुरुजी ने ऐसा मैजिक कर दिखाया। जब आप गुरुजी के सहारे होते हो तब कोई भी आपको
कहीं मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, गुरु जी खुद ही सब कुछ कर देते हैं। संगत जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंटी आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ऐसे बोल देते हो, आजकल लोग ये चीजें देखते हैं, स्टेटस देखते हैं। मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, मेरा स्टेटस मेरे गुरु जी है। मैंने अपना स्टेटस गुरु जी के, जब लोग मेरा नाम गुरु जी के साथ अपने मोबाइल में सेव करते हैं तो इससे बड़ा स्टेटस क्या होगा मेरे लिए। 40 साल की उम्र में कोई प्रिंसिपल नहीं बनता, मुझे गुरु जी ने बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी कर सकते। जब लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं सत श्रीकाल मैम, जय गुरु जी, मार्केट में जाते हैं जय गुरु जी बोलते हैं, तो फिर लगता है कि इनसे बड़ा कौन हो सकता है हमारे साथ। लोगों को पैसों के साथ सलामी मिलती है, हमें तो गुरु जी के साथ ऐसे लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी है। गुरु जी के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है। संगत जी, आज की डेट में भी मैं हर चीज, मेरे घर में मेरा बच्चा छोटा है 8 ईयर्स का है, वो भी अगर कोई चीज खाता है तो पहले गुरु जी को भोग लगा के खाता है, क्योंकि हमने एक ही चीज अपने दिमाग में सबने बिठा ली है। मैं हर संगत को बोलती हूँ कि गुरु जी के प्रसाद में बहुत ताकत है, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत ताकत है। जब हमारे साथ गुरु जी हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ तो खुद गुरु जी ने एक मिरेकल बना दिया। अब मैं थोड़ा सा बैक आती हूँ। तो उसके बाद मेरे भाभी के भाई हमारे घर एक दिन सत्संग के लिए आते हैं। तब हम 2-3 फैमिलीज, मेरी ननंद की फैमिली थी, मेरे भाई की फैमिली थी, हम 2-3 फैमिलीज मिलके गुरु जी का सत्संग करते थे। तो वो भैया पैरालाइज थे, तो उस दिन वो पहली बार हमारे घर सत्संग में आते हैं। सत्संग में आते हैं तो मतलब उस दिन वो पहली बार ही ऑटो पे बैठते हैं, सीढ़ियां भी उस दिन पैरालाइज के अटैक के बाद उस दिन वो पहली बार चढ़े। वो सोफे पे बैठे थे और जब शुक्राना चलता है तो वो एकदम गुरुजी के आगे लेट जाते हैं और बहुत रोते हैं। हम एक बार डर गए कि पता नहीं क्या बात है। तो जब सत्संग खत्म होता है तो वो कहते हैं कि ये वही गुरु है जो मेनू ऊपर मिलिया। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी, ये भैया कोमा में चले गए थे जब लुधियाना एडमिट थे। तो कोमा में जब थे तो ऊपर इनको गुरुजी मिलते हैं, इनको एक ऑरेंज कलर का चोला देते हैं और कुछ पैसे देते हैं। तो उनको बोलते हैं मैं तेनू 4 साल बाद मिलांगा सत्संग दे विच। और 4 साल पहले ना मैं गुरुजी को मानती थी, तब ना मेरी फ्रेंड जिसने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा वो गुरुजी को मानती थी। तो गुरुजी ने तो पहले ही हमारा कनेक्शन जोड़ रखा था। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें ये बोलते हैं कि तुम मेरी कोई संगत नई पुरानी नहीं है, आप सब लोग मेरे साथ जन्मों से जुड़े हो। ये चीज हमें रियलिटी करके गुरु जी ने दिखाई। फिर उसके बाद उन अंकल की वाइफ को कैंसर हो जाता है, उनको पहले तो फूड पाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो लुधियाना एडमिट होते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब मेरे को बोलते हैं कि मेरी भाभी को कहते हैं कि मेरे को कीर्ति को बोल कि वो गुरुजी से अरदास करे। मैं स्कूल से बाहर निकलती हूँ, मेरे को लगता है मैं क्यों किसी के लिए अरदास करूँ, क्योंकि उस टाइम मैं भी थोड़ी सी सेल्फिश थी। अभी गुरुजी के साथ जुड़ तो गई थी पर थोड़ी सेल्फिश थी, इस हद तक नहीं गए जा पाए थे हम। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को लगा मैं क्यों करूं। फिर मेरे को पता नहीं मन में क्या आया, मैंने कहा अगर मेरी एक अरदास से किसी की जान बचती है तो क्यों नहीं अरदास करूं। तो उस टाइम मैं गुरुजी को बोलती हूं कि गुरुजी अगर मेरे अरदास करने से उन पे आप कृपा करते हो तो आप प्लीज उनको ठीक कर। संगत जी, मैं बस में आके सो जाती हूँ, आधा पौने घंटे का वे है। तो
गुरु जी मेरे को क्या दिखाते हैं कि गुरु जी वो आंटी का सत्संग ऑपरेशन कर रहे हैं, और उनका ऑपरेशन 4 से 5 घंटे का था जो कि 1.5 घंटे में हो जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि शी इज ऑल राइट, वो खतरे से बाहर है। उसके बाद 72 घंटे के बाद जब वो आंटी को होश आता है तो वो बताते हैं कि ओटी में गुरुजी थे, मुझे गुरुजी ने डॉक्टर वाली ड्रेस में दर्शन दिए। उसके बाद वहां पे गुरुजी उनको वार्ड बॉय बनकर रोज उनके सिर पे हाथ फेरने आते थे और बोलते थे, ठीक है मेरी बेटी, ये है हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद गुरुजी हमारा घर शिफ्ट करवा देते हैं और मुझे गद्दी लगाने का हुक्म मिलता है कि तू गद्दी लगा। गुरुजी की गद्दी लगाती हूँ, धीरे धीरे संगत जुड़ना शुरू हो जाती है। गुरुजी का एक ही मेरे को मैसेज हमेशा रहता कि तू घर घर जाके सत्संग कर। 2 साल गुरुजी ने मुझसे सत्संग की सेवा ली, जिसने कहना तू सत्संग कर दे तेरा पाना मीठा लगे, मेरे दिन नहीं देखना रात नहीं देखना सत्संग करना, क्योंकि सत्संग एक ऐसी औषधि है संगत जी, जो बंदा किसी को, क्योंकि हमारे गुरु जी के वचन है कि हर सत्संग से मैं अपनी प्रेजेंस दवांगा, और गुरु जी हर सत्संग में अपनी प्रेजेंस देके जाते हैं। और ये चीज बिल्कुल सही है संगत जी, मैंने इतने गुरु जी ने मेरे से सत्संग करवाए, घर घर जाके सत्संग करवाए, और गुरु जी हर सत्संग में अपनी प्रेजेंस देते और हमेशा देते भी हैं, यही हमारे गुरु जी हैं। और गुरु जी के सत्संग के बाद कैसे बाकी कर्म अपने हैं, कर्मों को हमने भोगना ही भोगना है। एक दिन सूद अंकल कहते, तेरा अकाउंट बहुत माड़ा है आंटी। मैं उस दिन सोच रही थी, गुरुजी मेरा अकाउंट बहुत माड़ा है, अब मेरा अकाउंट कैसे ठीक करोगे? तो एकदम से आवाज आती है, जब मैं तेरे नाल हूं फिर तेरा अकाउंट किवें माड़ा हो सकता है। मैंने कहा ये भी सही है, जब गुरुजी साथ है तो फिर अकाउंट कैसे माड़ा, नहीं ये गुरुजी है मेरे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बेटी बनाने का। उसके बाद संगत जी कोरोना पीरियड स्टार्ट हो जाता है, 22 मार्च को 2020 को कोरोना के लिए लॉकडाउन हो जाता है। हम किचन में दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी अभी तो हमें जॉब्स मिली हैं और अभी अभी तो हम रोटी खाने लायक पहुंचे हैं, तो अब फिर वही सेम चीज हो जाएगी, हमें सैलरीज कैसे मिलेगी, कैसे करेंगे मैनेज। उस टाइम गुरु जी की ये मेरे हस्बैंड के कानों में आवाज आती है, अगे कदी तानू भुखे सौन दिता, जरा हूं सौन दवांगा। संगत जी हमने कभी किसी को नहीं बोला हमें कुछ लेके जाओ। अगले ही दिन मेरे मदर की तरफ से, मतलब मेरे मदर इन लॉ की तरफ से राशन आ जाता है कि तुम लोगों ने बहुत टाइम खराब देखा है, अब ये टाइम तुम इंजॉय करो। घर पे थे तो हस्बैंड ने कहा कि हम ना डेली सत्संग करते हैं, सबसे पहले तो हमने उन दिनों में अमृत वेला करना स्टार्ट किया और साथ ही साथ हमने शाम को सत्संग करना था। और उस टाइम पीरियड के दरमियान मेरा गुरुजी से बना डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन में गुरुजी ने इतने नजारे दिखाए संगत जी, ये गुरुजी हैं। सत्संग में बहुत पावर है संगत जी, बहुत ज्यादा पावर है, मंत्र जाप में बहुत ज्यादा पावर है। और उसके बाद गुरुजी ने अपनी गद्दी में लाइट्स में दर्शन देने, हलवा प्रसाद के दर्शन देने, हमें गुरु जी का अपने घर में हर जगह उनकी प्रेजेंस महसूस होनी। पहले पहले तो मैं गुरु जी के रूम में होते थे, आजकल ये गद्दी हमने बाहर लॉबी में शिफ्ट की हुई है। गुरु जी का रूम वैसे अलग है, हमने रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन के कारण, आजकल लॉबी में है गुरु जी की गद्दी लगाई हुई है।
तो गुरुजी के रूम में मुझे एक दो बार दर्शन भी दिए और मैं डर गई। एक बार मैं सोई हुई थी तो सुबह सुबह मुझे आवाज आती है कीर्ति, मैं उठ जाती हूँ। फिर देखती हूँ उठ के कौन आवाज लगा रहा है मेरी, फिर सो जाती हूँ। फिर 10 मिनट बाद आवाज आती है कीर्ति, फिर उठती हूँ। मेरे को लगा मेरे हस्बैंड चाय बना रहे होंगे, ये मेरे को चाय के लिए आवाज लगा रहे होंगे। तीसरी बार जब गुरुजी आवाज लगाते हैं तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड तो बाहर सोफे पे सोए पड़े हैं। अरे भाई मेरे को कौन आवाज लगा रहा है? अरे गुरुजी आप, कि मतलब गुरु, नो वर्ड्स, कि गुरुजी मुझे आवाज लगा रहे हैं। इतनी प्रेजेंस गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। अंकल टाइम है जी? बहुत टाइम है, आप सत्संग करते रहिए प्लीज। ओके। उसके बाद एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ सूद अंकल के रिलेटेड। एक दिन सूद अंकल का मेरे को फोन आता है कि कीर्ति आंटी कोई बागी हॉस्पिटल में दिल्ली के आए हुए हैं, संगत आई हुई है, तो आप उनको प्रसाद देना, वो गुरुजी की संगत है, जो भी आपके पास गुरुजी का प्रसाद हुआ आप उनको दे देना। तो वो संगत हमारे घर आती, वो बागी हॉस्पिटल वालों के रिलेटिव्स ही थे। और संगत जी एक को इंसिडेंस देखो, जहां सीसी प्राइवेट में मेरे हस्बैंड एडमिट थे, वहां पे हम भी गुरुजी को हर चीज भोग लगा के खा रहे थे, गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। तो वहां का स्टाफ हमें बोलता है कि आपसे पहले भी ना एक इनके बागी वालों के ना रिश्तेदार आए थे दिल्ली से, वो उन्होंने भी गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, वो भी हर चीज ना गुरुजी से मतलब भोग लगा के ही खाते थे। तो गुरुजी ने अपनी संगत के लिए उनको भी ब्लेस करके भेजा और हमें भी ब्लेस करके भेजा। ये है हमारे गुरुजी। तो गुरुजी बहुत कृपा। और सूद अंकल का मैं बारे में बताना चाहती हूँ, जब सूद अंकल का फोन आया उस दिन मैंने एक गुरुजी से अरदास की थी, वो सिर्फ मैं जानती थी। अंकल जब बात कर रहे थे तो मेरे को ये लगा कि गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी हर बात का अंकल अपने आप ही जवाब दिए जाते थे। ये गुरुजी ही है, ये अपने संगत से खुद वो आंसर बुलवाते हैं। मैं कितने टाइम तक तो यही समझती रही कि सूद अंकल गुरुजी है, क्योंकि मेरे इधर जब भी कुछ सोचती अंकल का मैसेज आ जाना मेरे को उस